परमात्मा को पिता मेरे जीवन छट के जाए, मेरा जीवन साथी प्रभु की रक्षा करना आजाद है। छुओ छुओ छुओ, अपने हाथ खड़े करके प्रेर करो कि परमेश्वर वो ताड़े दास दीदी ये तो हड्डी आवाज है जो मैं सुन रही हूँ मेरे कन्ना में जो वाचा दे दिया कि मर जा सुसाइड करना प्रभु के नाम पे राइट नो आग दो दुष्ट आत्मा मारो जिन्हें देखे बच्चे खुल रहे ने जिन्हें देखे बच्चे खुल रहे ने जिन्हें देखे बच्चे खुल रहे ने विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा किस शिष्य को देख रहा तेरे पति के जीवन बेहद नशे प्रभु आत्मा ने दस रहा हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू होली घोष कलाम दिया गल्ला तेरे कलाम दिया प्रति करे कोई परिवार है जगत आ उन्होंने तो प्रलाउट की सजा लंबे समय प्रभु जी कह रहे उन्होंने बेविश्वास तरीके ना परमेश्वर मन्या पर कोई रिजल्ट प्रभु जी कह रहे उन्होंने नहीं मिलिया पर प्रभु जी कह रहे कि जिस दिन तो इस चर्च में आ रहे ने विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु बोलता और प्रभु करता कोई परिवार जगत आ सिस्टर आख रही आ बल्ला तो सिस्टर आदिया तीन बेटियां प्रभु जी कह रहे कि प्रॉब्लम का कारण प्रभु जी कह रहे कि मेहनत नहीं है मेहनत बिल्कुल थोड़ी है पति का नशा बेहद प्रॉब्लम प्रभु जी कह रहे कि जो बच्चों के उपर आ प्रभु जी कह रहे कि लगातार जब तुम प्रेयर करोगे तो सेम नहीं रहोगे फास्टिंग करोगे तो सेम नहीं रहोगे प्रभु जी कह रहे कि तुम किसी भी पास्टर के कोल जाओ जब तक पवित्र बाइबल नहीं पढ़ोगे प्रेयर नहीं करोगे घुटनिया से नहीं आओगे अपने मन मन फरो का बपतिस्मा नहीं लोगे तद तक प्रभु जी कह रहे कि तुम्हारी पूरी लाइफ जी हनेरे में रहेगी और जिन्हें लोग प्रभु जी कह रहे कि लगातार पवित्रताई रह रहे हैं बाइबल पढ़ रहे हैं हीलिंग और चंगाई की प्रेयर कर रहे हैं प्रभु जी कह रहे कि वो सेम नहीं रहेंगे वो बहुत बड़ी गवाही देंगे और प्रभु जी मैंने दस दें कि वेख तेरे सामने एक बेहद वड्डी प्रॉब्लम तू देख रहा वा कि कोई जगह ते आ जिन बार बार तू बोलिया धन्यवाद जीसस कोई भी आ प्रभु जी कह रहे कि जिन्हें बोलिया जाता कि बारह तो दो दी प्रेयर करो प्रभु जी कह रहे कि इफेक्टिव रिजल्ट और इफेक्टिव तरीका यही आ कि बारह तो दो अल्फ नंगिया दुष्ट आत्मा मैं घर वेख रहा प्रभु जी मैं दस रहे कि नुक्कर की साइड से मैं चिराग बल देख रहा कि घर दो चिराग बल रहे ने प्रभु जी मैं दस रहे ने कि चीजा जड़िया अजे उस जगह पर आ चुकन के नाल प्रभु जी कह रहे कि चीजा नहीं जांदियां ये मेहनत के नाल जांदियां चिराग चुकन के नाल नहीं जाते प्रभु जी कह रहे उन्होंने वास्ते मेहनत करनी पैंदी है प्रार्थना करनी पैंदी है बाइबल पढ़नी पैंदी है रोजाना प्रभु जी कह रहे कि उन्होंने चीजों को डटना पैंदा फिर प्रभु जी कह रहे कि वह जगह तो उन्होंने वास खत्म होंदा वा आमीन लगातार प्रभु जी कह रहे कि जो तुम प्रभु के दास दी नहीं परमेश्वर की आवाज में सुनते नहीं जे प्रभु जी कह रहे कि तुम कंटिन्यू इस आवाज में सुन के मनोगे तो चलोगे तो प्रभु जी कह रहे कि जिन्हें लोग इस जगह पर बैठे आ वह तरह तरह गवाहियां देंगे और जबरदस्त प्रभु जी कह रहे कि वह लोग आएंगे और दूसरे लोगों वास्ते आशीष का कारण बनेंगे जिन्हें लोग सुनते हैं तडामी नु चार लंबा जिन्ह लोगों ने सुनिया कि दूसरे लोगों लिए आशीष का कारण बन गए वह डरनगे नहीं वह शैतान दिया वेदियां ढा देंगे उनका सिर कुचल देंगे प्रभु जी कह रहे कि परसनल प्रेयर जेडे लोग नहीं करते उन्होंने वास्ते आवाज आ कि परसनल प्रेयर जरूर करो परसनल प्रेयर के प्रभु जी कह रहे कि सब तो वड्डी आशीष आ और सब तो वड्डी बंदगी का एक अहम हिस्सा प्रभु जी कह रहे कि वह प्रेयर जी अलैदगा दी आ सब ने करनी है सब तो जरूरी प्रभु जी कह रहे कि आज्ञाकारी और वफादारी जेडे लोग आज्ञाकार ने और वफादार ने प्रभु जी कह रहे कि जिस जगह पर भी बैठे आ वह बेस्ट बन रहे ने वह बेस्ट हो रहे ने चाहे लॉकडाउन आ
चाहे कोरोना वा प्रभु जी कह रहे को ब्लेस्ड ने बीमारी होली स्पिरिट मेरे दस रहे ने कि लगातार अमृतसर विच बढ़ रही है। अमृतसर दे विच प्रभु जी कह रहे जेडे लोग होली स्पिरिट दी आवाज नु सुन के चलन गे बीमारी प्रभु जी कह रहे उन्हें छू नहीं पाएगी। पवित्र आत्मा मैं दस रहा कि अमृतसर बेहद प्रॉब्लम वाले लोग रह रहे हैं पर उन्हों का कारण की है कि वह परमेश्वर के विच नहीं आ, वह बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, चर्च अटेंड नहीं करते, इस करके प्रभु जी कह रहे कि वह बीमारी का सामना कर रहे हैं। और प्रभु जी कह रहे कि जेडे लोग मेरी और मेरे दास की खिलाफत करते हैं सब तो वह प्रभु जी कह रहे मैं ऐसे लोग देख रहा जेडे मेरे दासा के खिलाफ बोलते हैं पर प्रभु जी कह रहे को अपन अखा के नाल वेखणगे कि मेरे दास का लेबल कितने तो उन्होंने लेबल कितने आ। प्रभु जी कह रहे कि सानू किसी के खिलाफ बोलने की लोड़ नहीं आ, मेरा दास किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, जो होली स्पिरिट जो बाइबल सिखाती है असं बाइबल का प्रचार करांगे, सानू किसी के प्रचार लाने की लोड़ नहीं आ। और प्रभु जी कह रहे कि रोजाना की भक्ति पवित्र बाइबल पढ़नी अपने मन नूं बदलना अपने सुभा च नवे बनना और नवी सृष्टि बनना। तो प्रभु जी कह रहे कि जेडे लोग अज इस आवाज नूं सुनगे उसे नहीं रहेंगे जिन लोगों जगह ते आ। सब लिया मीन प्रभु जी कह रहे कि सप जिड्डा मर्जी वड्डा वा प्रभु जी कह रहे कि मेरे तो वड्डा नहीं आ। सप तुहानूं डराउंदा मंडली विच प्रभु जी कह रहे कि डरो नहीं, इहदे सिर ते पैर रख के दी सिरी कुचल दो। प्रभु जी कह रहे कि तुहाडे बच्चे इन्हें फड़े तुहाडे जीवन साथी नूं इन्हें फड़िया तुहाडे रिश्तेदारां विचों दी इह बोलदा तुहानूं मजाक करदा कि तुसीं ईसाई बन गए जी, तुसीं ईसाई बन गए जी, तुसीं धर्म बदलिया। प्रभु जी कह रहे कि उह गंदी शक्ति आ जिहड़ी दूसरे लोगों का मूंह बन के बोलती आ। पवित्र आत्मा कह रहा तुसीं किसी के खिलाफ नहीं बोलना, जिहड़े लोग तुहाडे खिलाफ ने उन्हां वास्ते प्रेयर करो। प्रभु जी कह रहे कि जद इह भेद तुहाडे उत्ते प्रगट होणगे तुहानूं पता लगेगा कि इह रिश्तेदार नहीं सी, इह मेरा जीवन साथी नहीं सी, ये मेरा बच्चा नहीं सी, ये वो दुष्ट आत्मा सी जिहड़ा मसीह दा विरोधी और मसीह दे और मेरे खिलाफ आ। सब बोले आमीन। प्रभु कह रहे कि जिन्होंने सात दिन का वर्त नहीं रखा सात दिन के वर्त से बैठो और जो भी ताकि मुश्किल है प्रभु के को मंगनी शुरू करो कि पिता मैं फ्री करा मैं फ्री करो और मैं लगातार ताकि कामों में बना। आमीन। और प्रभु कह रहे कि जिन्हें लोग नवे चाहे पुराने आ बाइबल जिन्हें नहीं पढ़ते प्रभु जी कह रहे उन्होंने कहा ट्यूशन रखो बाइबल पढ़नी सीखो, जब तक तुसी बाइबल नहीं पढ़ोगे ताकि पूरी जिंदगी सफर वाली होएगी, तुहानू पता नहीं लगेगा बाइबल च की रोकिया की करना। सारियां गल्लां प्रभु जी कह रहे कि तुसी नहीं समझ सकते। और प्रभु जी कह रहे समा घट होंदा करके इस जगत ते असी समाप्ति करांगे। वर्शिपर दे वास्ते फिर वाजा सिस्टर शमा दे नाल एक सॉन्ग फिर गावांगे। आमीन। सब जन तारीफ करो परमेश्वर दी। प्रभु मैनू दस रहे ने कि मंडली विच जिन्ना भैणां नूं बच्चे मिले आ तो मंडली च नहीं आ रहे। होली गोस मैनू दस रहे कि जे उन्हां दे घर ते कोई मुसीबत आ गई तो अपनी मुसीबत आप जिम्मेवार होणगे। प्रभु मैनू दस रहे आ कि जिहड़ियां भैणां ने बच्चे लै ले आ हुण उह चर्च वड़ के खुश नहीं आ। प्रभु जी कह रहे कि कल नूं तुहाडे ते कोई पंगा पै गया तो मेरे दास नूं कहिंदे लामा नहीं देना, ये क्यों होया क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी है, उन्होंने जो कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई बाइबल नहीं पढ़ता, कोई संतां की कदर नहीं करता, उन्होंने सिर्फ खाना तो सौना पसंद है। प्रभु कह रहे कि जेडे लोग इन्हों गवाचा सुन लेंगे तो अपने बच्चे तो अपने घर को बचा लेंगे तो जिन्ना अपनी मर्जी की प्रभु कह रहे कि वह अपनी मर्जी के आप ही मालिक होने के फिर। आमीन। अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया पाप सभी जल जाए, अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया पाप सभी जल जाए, सोना जैसे बटी में डलता वैसे हमें डल जाए, सोना जैसे बटी में डलता
लखन दल बशी